हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग साइन एक्स डिग्री का इंटीग्रेशन करेंगे। डिफरेंशिएशन हम लोग पहले ही कर चुके हैं, तो इस वीडियो में हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। यहाँ पर जो एक्स डिग्री लिखा है, ये साइन का एंगल है। जैसे जब आप साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स या साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा लिखते हैं, तो यहाँ पर जो एक्स और थीटा होते हैं वो साइन कॉस टैन के एंगल होते हैं। तो यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है और बहुत ही काम की बात है कि जब भी आप किसी त्रिकोणमितीय अनुपात का अवकलन या समाकलन करते हैं, जब भी आप किसी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन करते हैं, तो उसका एंगल रेडियन में होना चाहिए, उसका एंगल रेडियन में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो साइन का एंगल है वो डिग्री में है, तो हमारा सबसे पहला काम होगा कि हम इस एंगल को रेडियन में बदलें, उसके बाद हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि एक डिग्री में पाई अपॉन 180 रेडियन होता है, यानी एक डिग्री बराबर पाई बटे 180 रेडियन। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कीजिए, तो आप क्या करेंगे, 60 में पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे आपको मिल जाएगा पाई बाई 3, है ना। तो ये हो गया डिग्री में और ये हो गया रेडियन में। मतलब क्या है, जिसे भी डिग्री से रेडियन में बदलना हो आप उसमें पाई बटे 180 से गुणा कर दीजिए। जैसे यहाँ पर मैं 60 को रेडियन में बदलना चाह रहा था, तो मैंने 60 में पाई बटे 180 से गुणा कर दिया, तो मुझे क्या मिल गया, पाई बटे 3 मिल गया। ठीक है, तो अगर एक डिग्री बराबर पाई बटे 180 रेडियन, तो बताओ मुझे एक्स डिग्री बराबर एक्स गुणे पाई बटे 180 होगा कि नहीं होगा। भाई अगर एक डिग्री में पाई बटे 180 रेडियन, तो एक्स डिग्री में एक्स गुणे पाई बटे 180 रेडियन। तो अब ये डिग्री में था और ये क्या हो गया, रेडियन में हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, एक्स डिग्री की जगह पर ये वाली वैल्यू लिख देंगे। तो लिख देते हैं, हो जाएगा साइन एक्स डिग्री की जगह पर लिख सकते हैं पाई एक्स अपॉन 180 डी एक्स। ठीक है, अब सिंपल सा काम है, अब ये हो गया रेडियन में, तो अब हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, क्या होता है, माइनस कॉस एक्स। तो यहाँ पर साइन और इस पूरे को मान लो एक्स, तो क्या हो गया, माइनस कॉस एक्स। लेकिन आप एक बात और जानते हैं कि अगर साइन ए एक्स हो तब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कास ए एक्स अपॉन ए, क्या होता है, माइनस कास ए एक्स अपॉन ए प्लस सी। अगर एक्स के साथ कोई भी कांस्टेंट है, एक्स के साथ कोई भी कांस्टेंट है, तो वो क्या करता है, डिवाइड करता है। इंटीग्रेशन के केस में अगर हम इसी का डिफरेंशिएशन कर रहे होते तो क्या होता, साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, और ये जो कांस्टेंट है वो गुणा करता। अवकलन में जो गुणांक होता है एक्स का, वो गुणा करता है, समाकलन में भाग करता है। तो देखो, ये तो एक्स है, ये पूरा क्या है, पाई बटे 180 एक्स का गुणांक है, तो ये क्या करेगा, भाग करेगा। करेगा कि नहीं करेगा, भाई इंटीग्रेशन के केस में जो एक्स का कोफिशियंट होता है, जो एक्स के साथ कांस्टेंट होता है, वो डिवाइड करता है। तो यहाँ पर एक्स के साथ कांस्टेंट है पाई बटे 180, तो ये क्या करेगा, डिवाइड करेगा। और इसको लिख देते हैं, 180 पलट जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 180 बाई पाई हो जाएगा, कास हो जाएगा। और आप पाई एक्स अपॉन 180, देखो आपका क्वेश्चन डिग्री में था तो आपका आंसर डिग्री में होना चाहिए, तो इसकी जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, एक्स डिग्री। भाई एक्स डिग्री बराबर इतना, तो इतना बराबर एक्स डिग्री, तो यहाँ पर लिख दीजिए एक्स डिग्री प्लस सी, ये हो गया आपका आंसर। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मज़ा आया होगा। फटाफट लाइक कर दीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।